दिल की धड़कन में रहते हो तुम, दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो दीवानों सा हाल हुआ है हमको, तुमसे प्यार हुआ है दीवानों सा हाल हुआ है हमको, तुमसे प्यार हुआ है। हेलो दोस्तों, मैथ मस्ती 4.0 सत्यम सर, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। आज हम दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी टेंट एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करने का, तो चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, आप लोग देख करके घबरा जाते हो कि ये क्वेश्चन सर कितना हार्ड है, बाकी अगर सोल्व करने बैठोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलो चलो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो एक्स वाई है ये एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में है, इसको मैं क्या करता हूँ डिवाइड में भेज देता हूँ, तो आपका जो सम होगा वो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर 6x का 6x प्लस 3 का 3y बराबर में लिखेंगे 6, और ये जो बड़ा मल्टीप्लाई में है इसको क्या करेंगे हम डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स और वाई, ठीक है। अब ये हो गया, एक काम करते हैं इसको चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं बड़ा। अब इसको क्या करते हैं दोनों के बटे में क्या लगा देते हैं एक्स वाई लगा देते हैं, तो कैसे करना है देखो, 6 का 6x बटे में क्या लगाएंगे एक्स वाई, प्लस है तो प्लस 3y तो 3y लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है एक्स वाई तो एक्स वाई लिखेंगे, बराबर के बटे में क्या लिखा है 6 तो 6 लिख देंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर x लिखा है ना तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ y लिखा है y से y कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 6 अपॉन में y प्लस 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 6, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब उसी तरह हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं, वैसे वही प्रोसेस वापस से करना है जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर वही लिखेंगे 2x प्लस 4y अपॉन में xy बराबर में लिखेंगे 5, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे दोनों के बटे में क्या लगाएंगे xy लगा देंगे, तो चलो यहाँ पर लगा देता हूँ 2x एक्स वाई प्लस 4y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 5, बड़ा यहाँ पर देखो माइनस है ना, माइनस है यहाँ पर, देख मैं बच्चे का आउट कर लूँ। अब क्या करना है बड़ा, x से x कैंसल आउट होगा, y से y कैंसल आउट होगा, तो क्या बचेगा बड़ा 2 बटे में y प्लस 4 बटे में y इज इक्वल टू 5, ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 4। इतना क्लियर हो गया बड़ा, अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं आगे का सवाल चलाता हूँ, ठीक है, देख लो। और बड़ा वीडियो अगर अच्छा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो क्या किया करो स्क्रीनशॉट पार लिया करो वीडियो को पोज करके, ठीक है। तो चलो आगे का हम प्रोसेस सॉल्व करते हैं, अब ये जो हमने 3 और
ये हमने जो 3 और 4 का इक्वेशन बनाया ना, इसको हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। तो चलो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इसको सपोज मैं मानता हूँ, अगर 1/y को अगर मैं a मानता हूँ, तो यहाँ पर 1/x को अगर मैं b मान लेता हूँ, तब मेरा सवाल क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 6a + 3b = 6। सेकेंड वाला 2 है तो 2 का 2 a प्लस 4 का 4 ओवर अपॉन x को क्या माना है मैंने, b = 5 का 5। ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। ये सही इक्वेशन हमारा यहां से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आसानी से सॉल्व कर दो, आपका इक्वेशन रेडी हो गया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एलिमिनेशन मेथड से, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 3 प्रकार की मेथड होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी मेथड से अगर आप ये सवाल को सॉल्व करते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, आप तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई, स्टेप नंबर 1। क्या करेंगे, 2 लिखा है ना, ये 2 को यहाँ पर लिखेंगे, ये 6 लिखा है ना तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई भैया इन सभी टर्म्स के अंदर करना है आपका मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 12a। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 3×2=6b = 6×12। क्लियर हो गया। अब उसी तरह 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहां पर होगा 12a, और यहां पर 6 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 4 के साथ आएगा तो क्या होगा, 24 यहां पर होगा b, और 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करूंगा तो यहां पर होगा 30। अब यहां पर प्लस, अब क्या करना है, साइन को चेंज करना है, तो यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, अब 6 में से 24 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे 24 में से 6 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 18 आएगा, बट बड़ी संख्या माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, b = 12 में से 30 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे 30 में से 12 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर होगा 80, बट बड़ी नंबर जो है बड़े नंबर के आगे लिखा है माइनस, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर माइनस। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या बेटा, b = 18/18, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, b बराबर कितना आएगा 1, b तो हमारा आ गया। अब क्या निकालते हैं, a निकालते हैं, a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो देखो यहां पर लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, क्या पुट करेंगे, b = 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन नंबर 1 इसी को मान लेते हैं, तो 6a + 3b = 6, अब b बराबर क्या माना, a, तो 6a + 3 = 1, तो 6a = 6, ये प्लस में बड़ा इसको सेट भेज देंगे तो क्या होगा बड़ा, है माइनस में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा 6a = 3, 6 - 3 अपना ये है 6a = 6 में से मैं क्या करूंगा, 3 को लेस कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3, तो a बराबर क्या होगा 3/6, a बराबर होगा 3×1=3, 3×2=6, 1/2 हमारा, मतलब a बराबर हमारा क्या हो गया 1/2। बस जो हमने लेट किया था उसमें क्या करूंगा, ये वैल्यू पुट कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। हमको पता है a भी मिल गया और b भी मिल गया, अब क्या करना है, ये a और b इसके अंदर पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे पुट करते हैं। तो देखो ये हमने, देखो a बराबर हमने क्या निकाला था 1/2, और b बराबर हमने क्या निकाला था
बी बराबर निकाला था हमने वन, ठीक है। ए ए हमने क्या माना था, अज्यूम किया था अपना, ए निकाला था हमने एक्स को, बी बी माना था अपना यहां पर वाई, ए यहां पर एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखो यहां पर वाई का वाई टू, यहां पर क्या होगा दो, यहां पर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहां पर अगर इसी पॉकल कर दो तो क्या हो जाएगा अपना वाई इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू वन होगा, ठीक है। इस हिसाब से बढ़ाओ एक्स और एक्स और वाई की वैल्यू हमारा क्या होगा वन बाई टू, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी करना। जो क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है वो क्वेश्चन को फटाफट क्या किया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि सर ये वाला क्वेश्चन भी वापस से सॉल्व करा दो, नहीं समझ में आए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब भी बताइएगा, कमेंट कर देना, हम सारे क्वेश्चन को आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे आपको। थैंक यू।